तो है गाइस, मैंने कुछ वीडियो पहले मैंने बताया था कि एक आर्टिक मोड आया जो कि आप सब शायद खेल ही लिए होंगे। तो भाई इसमें मैंने वो नहीं दिखाया था ड्रोन वाला जो सेटअप था कि कैसे ड्रोन कैसे चलता है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है तो कि हर चीज़ जितनी भी रहती है मैंने सब कवर किया है। और भाई मैं जायरोस्कोप से खेलने लगा हूँ। तो भाई जायरोस्कोप को मैंने देखा कि थ्री फिंगर के साथ अगर आप फोर फिंगर खेलते हो जायरोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जब फोर फिंगर स्विच करता हूँ तो मुझे थ्री फिंगर ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मैंने थ्री फिंगर प्लस जायरोस्कोप कर लिया। भाई साहब मैं उसके बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आती है जायरोस्कोप खेलने में। और एक चीज़ में जायरो वाले क्या करते हैं कि क्राउच एंड शूट करते हैं। तो भाई साहब मैं ये चीज़ बता दूँ कि आप कभी भी अगर जायरोस्कोप यूज़ कर रहे हो तो आप कभी भी किसी पे अगर क्लच करने जाना हो तो अभी भी क्राउच एंड शूट मत करो। तो क्यों मत करो, क्योंकि मैं अभी जायरोस्कोप खेल रहा हूँ तो मैंने ये देखा कि भाई साहब अगर बंदा होगा ना अगल बगल तो वो आपकी वेस्ट पे लगाएगा निशाना और वहीं पे आप जाकर फायर करेगा। कि कोई एकदम बहुत ही बड़ा वाला मॉर्टल नहीं है कि एकदम सीधे हेड पे फायर। भाई साहब गली गली जैसे आप क्राउच करोगे ना उसका वेस्ट पे लगा निशाना हेड पे आ जाएगा और इतना चपक के डैमेज पड़ेगा ना कि क्या बताएं। तो अगर आप भी जायरो प्लेयर हो तो आप कभी क्राउच मत करो, या तो आप मूवमेंट फायर करो या तो सीधे प्रोन हो जाओ या तो पीक करते रहो लेफ्ट साइड। भाई साहब किताब यहाँ पे ये भाई साहब हम और फैसकन वास्तु खेल लेते यहाँ पे। भाई मैंने भी यहाँ पे गलती कर दी थी, मैं क्राउच करने लगा लेकिन तब भाई साहब जब वो रहता है कहते हैं ये जब हम लोग किसी भी फाइट में रहते हैं तो तब ये दिमाग में नहीं आता है कि हाँ भाई क्राउच एंड शूट से हेड पे निशान रखा है। बस जैसे ही कोई भी बंदा आया किसी भी तरह क्लच करना है, बस क्लच करना है तो करना है। तो इससे मुझे ड्रोन और हीटर दोनों मिल गए थे। तो ये बहुत अच्छी वीडियो लगी मुझे बनाने के लिए। तो भाई साहब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी श्योर नहीं था ये लगाया था, जैसे एरेंगल खेलो तो उसमें भी रैंडमली आ जाता था विंटर मोड। तो मुझे लगा कि इसमें मैंने इससे काफ़ी वैकेंडी लगाओ तो इसमें रैंडमली मुझे लगा वैकेंडी लगी ये सारे ब्रांचेज आ गए, लेकिन फिर आर्टिक मोड लगा तो आधा घंटा ही बर्बाद हो गया और चिकन डिनर भी नहीं मिला। और भाई साहब ना कुछ बड़ा ना रैंक बढ़ी। भाई साहब इसके आखिर में ना भाई साहब जो क्लच किया एक ही स्प्रे में दो बंदे नॉक किए, क्या सबूत। लेकिन भाई साहब इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि चाहे कहीं भी हो, आप कॉम्पिटिटिव में हो चाहे कुछ भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाइट एडवांटेज और जोन में रहना। अगर आपके पास हाइट एडवांटेज जोन है और आपके पास एक अच्छा सा कवर है भाई साहब किसी को भी मार दोगे। तो यहाँ पर हम लोग को एक स्नो मोबाइल मिल गई थी और यहीं से हम लोग फिर इधर उधर बंदे ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी मैंने देखा कि भाई साहब ये स्टार्ट होने वाला है ब्लिज़ार्ड। तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे घर पे चलते हैं और ज़रा सा कैंप वैम्प करते हैं। तो भाई मैंने आस्क वेनम करके एक Q&A वीडियो बनाने का सोचा है। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया भी था, मैं फिर से बता देता हूँ जिसमें करके आप अपना क्वेश्चन टाइप कर देना और मैं जैसे ही मेरे 1K व्यूज जाएंगे मैं कॉस्मिक बाइटी के अपने ही एक नए गेमिंग हेडफोन दूंगा। पूरा सेटअप रहेगा जैसे जो माइक और हेडफोन्स का ऑप्शन रहता है तो उसमें सब है एनेबल करके, और जितना सेटअप अलग से लगता है मैं सब सेटअप करके दूंगा। बस लगा देंगे अपने फोन सब चालू। तो 1K व्यूज से मेरी पहली Q&A वीडियो और कॉस्मिक बाइटी का गेमिंग हेडफोन, काफ़ी तगड़े गेमिंग हेडफोन फुल्ली सेटअप मैं आपको दूंगा, किसी एक को मिलेगा। तो क्वेश्चन ज़रूर पूछना और मैं जैसे ही कोई मैंने वीडियो हो जाएगी तो वहाँ से मैं कमेंट्स में आप लिख देना कोई भी रैंडम कमेंट लिख देना और आप अपनी पबजी कैरेक्टर ID लिख देना और वो लिख देना अपना यूजर नेम। और जब मैं देखूँगा कि इसको मिलेगा तो उसको मैं अपनी ईमेल आईडी जो जीमेल आईडी रहेगी वो भी आप नीचे लिख देना कमेंट वीडियो में। आप चाहो तो इसी वीडियो में लिख सकते हो, जैसे कि जो भी डिनर होगा उस गिवअवे का उसको मैं सीधे ईमेल करके उसका पहले मैं एड्रेस मांग लूँगा और मैं सीधा उसको कोरियर कर दूँगा। तो भाई साहब
हिसाब किताब यहाँ का ये था कि मुझसे बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी, एक जगह बिल्कुल नहीं बैठा जाता। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मुर्गा वगैरह पकाया खाया, और मैप में देखे भैया अपना ईएसपी है मीटर लगा लिए, और देखने लगे कहाँ कहाँ भैया लगा हुआ एकदम एंटीना की तरह रहता है। तो मैंने उससे एक ड्रोन मांग लिया था, और ड्रोन मैंने सोचा कि चलो यहीं पे ड्रोन चालू कर देते हैं और आप देख के आते हैं। तो भाई देखो, आपको घर पे रहना ज़रूरी रहता है, खुले में अब अगर नहीं रहोगे तो घर पे आग लगा कर बैठ जाओ, क्योंकि ब्लिज़र्ड आता है तो बहुत ही अजीब रहता है, एकदम से आपकी हेल्थ वेल्थ कम हो जाती है। और मैंने देखा यहीं कहीं पे आग जहाँ पे लग रही है मैं वहीं जाने की सोचता हूँ, लेकिन मैं इधर उधर भी देख लेता हूँ, क्योंकि मैं एक बार बहुत बुरी तरह मरा था। मैं ड्रोन चालू कर दिया था और मुझे फायर साउंड आ रहे थे, लेकिन मुझे क्या पता था फायर साउंड तो मेरे घर के बगल ही में चल रहे थे। हाँ, यहाँ पे मैंने देख लिया कि आस पास तो आग नहीं लगी है, तो मैंने सोचा कि चलो भैया जहाँ भी आग लगी है हम लोग सीधा कर देंगे रश। और इसने अपनी लालटेन निकाल ली, तो भाई मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हील अप कर लेते हैं, और उससे कह दिया कि भाई एक ही बंदा लालटेन निकालो, क्यों अपनी 50-50 लालटेन रिकॉल करोगे बार बार, उसकी बैटरी कम कर दोगे। भाई साहब ये आर्टिक मोड बहुत लोग खेलते हैं, मतलब अभी जितने खेल रहे उससे 10 गुना ज्यादा खेलते हैं, की हीटर हमेशा हमेशा के लिए होता और ड्रोन भी हमेशा हमेशा के लिए, बस बैटरी इसकी ना होती। अगर ये ना होता तो भाई साहब एकदम एसपी बन जाता, एक जगह बैठ जाओ भाई साहब जिधर घूमना है। फिर थोड़े से मैंने रोस्टेड चिकन खा लिए थे और पॉपकॉर्न वाशों को दे दिए थे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार कॉम्पिटिटिव्स में भी जाएंगे। हम लोग के पास एक पूरी स्क्वाड नहीं थी, लेकिन हम लोग ने सोचा कुछ और स्क्वाड्स बनाने का। तो भाई साहब इसको मैंने हम लोगों ने स्नाइपर्स के लिए लिया था पॉपकॉर्न वाशों, लेकिन ये कोई फालतू का निकला। मैंने इसके साथ एक मैच किया है स्नाइपर और स्नाइपर, भाई मैं हम लोगों को ये था कि बुरी तरह मैंने सहाया कि क्या बताऊँ, खड़े खड़े मैंने शॉट और मार दिया था। तो वो वीडियो भी मैं अगली बार डालूंगा, तो मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दे दिया था। हाँ, मैं वन मिलियन वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसके लिए वन मिलियन रूम बना के खेले। तो अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट नहीं पता है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे। अगर अभी तक मुझे अपने 1000 पूरे खुले हैं, लेकिन मुझे 51 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और इस सब्सक्राइबर भाई जब मैंने देखा ना भाई, मतलब मुझे को तो देखने में इतना मज़ा नहीं आता अगर अपने चैनल पे इतने ये पता नहीं क्या कर रहा है भाई। ये यहाँ सीधे फ्लैश बन गया और एकदम से हैक वैक लगा दिया, इतनी तेज गाड़ी बन गई भाई साहब, ये अपने आप में ही भाग रहे थे। भाई लालटेन हमेशा आपको रखना नहीं है, मैं आपको कैसे दिखाता हूँ कि ये जो टेम्परेचर मीटर थर्मामीटर लगा हुआ है एनर्जी ड्रिंक के बगल में, तो इसका सबसे ऊपर वाला जो डिवाइडर है इसको 4 भाग में इसको डिवाइड कर देता है। तो जो सबसे ऊपर वाला रहता है वो जब तक सेकंड वाले पर ना आ जाए तब तक आपकी हेल्थ कम नहीं होती है। मैं जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी तो देखो शायद अपना लालटेन तो मैंने ऑन नहीं किया है। तो भाई यहाँ तो इसी पॉपकॉर्न वाशु में लालटेन ऑन किया था, तो यहाँ पे जब मैं लालटेन ऑन करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। भाई साहब यहाँ पे हम लोग से भी रुका नहीं गया और हम लोगों ने इसे भी जल्दी, और इसके पास जो थोड़ी बहुत लूट थी वो भी ले लिए हम लोग, और फिर भाई साहब दूसरे बंदों को मारने के लिए चले चले दूसरी जगह चलो। अरे यार बैठ नंबर वन हुआ जाता कि आप देख सकते हो मैंने थोड़ी देर के लिए लालटेन ऑन किया और फिर मैंने बंद कर दिया। आप ऊपर मेरा थर्मामीटर मीटर देख लो, जैसे ही वो थोड़ी सी भी नीचे आ रही डंडी मैं ऑन करके बंद कर दिया। तो भाई साहब यहाँ पे दो बंदे थे तो क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने मेरा किल चुराया था और सामने लगी हुई थी आग, कर दिया और मैंने कर दिया, जिससे मुझे दूसरी तरफ चलो। M4 के साथ उन लोगों के पास चलो,
ए जा मार दो खत्म। अब हिसाब किताब का जोन के बाहर वालों को डायनो पार्क चलो डायनो पार्क के बाहर। हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं जोन के बाहर वालों के बगल में, क्योंकि उसको तो जोन में आना ही पड़ेगा डेढ़ मिनट बाद। तो भाई साहब यहाँ पे एक बैरल पड़ी थी, लेकिन मैंने सोचा इसे एक्सचेंज कर लूँ, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि भाई अरे यार गॉड है वो, गॉड रह ही रहेगी। भाई यहाँ पे हुआ क्या कि वो बंदा जो जोन के बाहर था वो उधर से चला गया, उसको भी मुंह में पानी आ गया, एकदम लालच उसके भी मुंह में आ गए और वो वहाँ से भाग गया। भाई साहब हम लोग निकालते हैं और चलते हैं उन सब बंदों को मारने। तो भाई लोग हम लोगों ने एक और नई गाड़ी चेंज की और यहाँ से गाड़ी उठाई और हम लोग सीधा वहाँ जाने लगे जहाँ पे बंदे आराम से बैठे हुए थे। भाई ये सर्कल देखो ऐसा लगता है भाई ये अपना ही इलाका खींच कर और कोई भी नहीं आ सकता। तो भाई बहुत कम बंदे बच रहे थे और हम लोग यहाँ पे आने के बाद ए रुक जाओ भाई तैयार हो जाओ। अब मैं पचास जितने इतने सारे आग लगी हुई है क्या होती है। देख रहे हो कि मेरी पहली लालटेन है और मुझे तीन मिल गई थी, लेकिन मेरी एक भी लालटेन की बैटरी खत्म नहीं हुई क्योंकि मैं इसे एक बार ऑन कर देता भाई बंदों के पास चलो। जैसे ये बैटरी जो है वो येलो होने लगेगा तो इसकी बैटरी गाड़ी उतरो आपका टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा और आपकी हेल्थ जाएगी। तो यहाँ पे वैसे आता है कि ड्रोन इज आउट ऑफ है क्योंकि मैंने ड्रोन बहुत इधर उधर देखने के लिए यहाँ पे लगी थी आग। और भाई साहब ये सामने वाले बंदा यहाँ लेटा हुआ था ना खत्म करो। उसके बाद मेरी हेल्थ बहुत डाउन थी, मैंने हेल्थ लगाई, मेरा एक टीम का हिस्सा मिल गया था, बाकी सबको मेरे टीम मेट्स ने उड़ा दिया। अब 13 बंदे बच रहे थे, अगर हम लोग को काट दे तो शायद अब 8 बंदे बचेंगे। ये कहाँ अटक के मरे? तो इन 8 बंदों में से शायद एक पूरी स्क्वाड थी, हाँ एक स्क्वाड थी और एक डुओ था। तो भाई ड्रोन है स्क्वाड वालों ने तो किसी और बंदे को लटका दिया था जिससे सिर्फ एक स्क्वाड और एक डुओ बच रहा था। तो वो डुओ था सामने पीछे वाले घरों में और हम लोग को भाई साहब यहाँ पर अब तो आ रहे पापा इतनी तगड़ी तगड़ी लूट मिल गई थी कि भाई साहब सीधे बस कैम करो और कुछ नहीं करो। लेकिन टीम में थे ना भाई साहब टीम के पीछे भूखे रह गए। मैंने यहाँ पे 4 किल थे लेकिन मुझे हफ्ते में आ जाएंगे और यहाँ पे शायद ही चिकन नहीं हो पाए क्योंकि भाई साहब 11 बंदे बचे हैं और सामने जो पहाड़ी है वहाँ पे ड्रॉप आया। मुझे 100% पता था कि वहाँ बंदे होंगे। भाई यहाँ पे मैंने देखने की कोशिश की कोई नहीं था और ये जो ऊपर पहाड़ी है वहाँ पर भी एक ड्रॉप आया था। तो उस ड्रॉप में मुझे पता था कि 100% बंदे होंगे। तो भाई साहब यहाँ मैंने कहा कि चलो भाई चलो सब लोग गाड़ी में बैठो, लेकिन भाई साहब सुनता ही नहीं है कोई। तो भाई साहब यहाँ गेम पे देखो अब भाई और जिन जिन लोगों ने भी अभी तक लास्ट टाइम आसमान करके कुछ नहीं पूछे हो भाई जल्दी से कमेंट में जाओ और कर दो। और भाई साहब अपनी कैरेक्टर आईडी सब पेस्ट कर देना जो भी मैंने बताया और जो विनर होगा उसे मैं ईमेल करके बताऊँगा। जो विनर होगा मैं उसे कह दूँगा अपनी ईमेल आईडी कि आप विनर हो और आपका एड्रेस मुझे दे दो और मैं दे दूँगा। भाई जल्दी से जाओ और अपनी सब टैग वॉक कर दो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई मैं एक और चीज़ मैं अपनी वीडियो बनाने वाली हूँ अपने जो मेरा यूट्यूब सेटअप है और जैसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ अपने रिकॉर्डिंग के लिए वो सारी वीडियो बनाऊँगा। और मैं एक की और कॉल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं स्पेशली बनाऊँगा कि कैसे इंटरनल ऑडियो कैसे एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये टिप उन्हीं लोग के फ़ोन में काम करेगी जिनके फोन में इंटरनल ऑडियो का ऑप्शन अवेलेबल होगा। इस वीडियो में आपने सुना ही होगा कि मेरी वॉइस आ रही है जो मैं अपने टीममेट से बात कर रहा हूँ और इंटरनल तो आ ही रही है। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा काफ़ी जल्दी जो कि मैं ऑब्वियसली 1 के व्यूज के बाद ही बनाऊंगा। तो यहाँ पे भाई अब ऊपर 2 बंदे थे और इतना गंदा हगाना भाई क्योंकि जायरोस्कोप मैं 6x पे बहुत कम यूज़ करता हूँ और यहाँ पर तो PhD वासु जो है अपना स्नाइपर सस्ता स्नाइपर उसका कॉल आया कि भाई साहब इस घर में बंदे और भाई साहब मुझे पीछे से पड़ने लगी। तो पीछे वही बंदे थे वो स्क्वाड थी शायद
जो लोग देखते हैं यार मैंने इसे और ये यहाँ पे नॉक हो रहा और काफी जल्दी फिनिश भी हो गए और भाई साहब ये देखो यहाँ पर डब्बा पड़ा है मेरे आंखों के सामने बंदे ऊपर लूटने आएंगे मुझे मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि उसने कहा दो बंदे हैं यहाँ पर मैंने एक मॉडी फेंकी ताकि उन लोगों को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो और मैं जाता हूँ इसका डब्बा लूटूँ और थोड़ी बहुत चीज़ें ले लूँ भाई साहब मैंने इसका डब्बा लूटा और थोड़ी बहुत स्मोक स्मोक मिल गया यहाँ पे भाई साहब अब इन दोनों बंदों को तो छोड़ रहे नहीं लेकिन मुझे पता था कि मैं इन दोनों बंदों को आसानी से नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही कम हुआ है आज वहाँ की मैं एक ही घर के अंदर मैं दो बंदे मार दूँ ओपन में तो मार देता हूँ अगर कवर ओवर रहता है क्योंकि घर के अंदर आपको बस सीधा रश करना रहता है तो भाई साहब देखो कैसे इनको बजाते हैं तो इसी के साथ ये दोनों बंदे भी वाइप हो गए थे और अब बचे थे ऊपर वाले मैं इनको लूट ही रहा था लेकिन ऊपर के साथ ना थे और तभी मैं यहाँ पे ही लगाता ही हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रेनेड आता है मेरे मुंह पर पड़ जाता है तो ये था हाइड एडवांटेज की वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करो चैनल को या